प्रधानमंत्री कल जारी करेंगे किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त, कई लोगों को मिलेगा इससे फायदा। संसद का मानसून सत्र आगे बढ़ाने की उठी मांग, राज्यसभा सांसद ने कहा पीएम मोदी जासूसी मामले पर कराएंगे चर्चा। आईटीबीपी में पहली बार महिला अफसरों की हुई भर्ती, पहले बैच में दो महिलाओं ने किया ज्वाइन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी, केंद्र ने राज्यों को अब तक कोरोना वैक्सीन की 52 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज पहुंचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को उज्ज्वला योजना 2.0 करेंगे लॉन्च, लाभार्थियों से करेंगे संवाद। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे विपक्ष दल लगातार बैठकों पर बैठक कर रहे हैं। इसी को लेकर आज भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां हजारों कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ श्रीनिवास का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद श्रीनिवास ने कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद श्रीनिवास मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना काल में यूपी में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई तो कांग्रेस के राहुल गांधी ने लोगों की जान बचाई, लेकिन बीजेपी के मंत्री घर पर बैठकर ही बयानबाजी करते रहे। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर दौरों का दौर शुरू हो गया, इसको लेकर युवा कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीनिवास मीडिया से कुछ ही देर में लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, किस तरह से कार्यकर्ताओं का यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है और कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी और काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है आपको बता दें। और यहाँ से सीधा श्रीनिवास कांग्रेस कार्यालय जाएंगे और वहाँ पर जो युवा नेताओं के साथ बैठक करेंगे और उनको संबोधित करेंगे। कैमरा पर्सन निहाल के साथ अजहर खान, प्राइम टीवी। देखिए, उत्तर प्रदेश का एक एक युवा इस बार जो 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 सरकार चला रहे हैं किस तरीके का, सारे लोग बदलाव चाहता है, वो बदलाव है कांग्रेस पार्टी है। बड़ी लेवल पे आने वाले दिन में ये पूरा युवा, उत्तर प्रदेश का युवा को बचाना, उत्तर प्रदेश का महिला को बचाना, उत्तर प्रदेश का सभी वर्ग सभी समाज को बचाने वाला कोई एक पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है, वो प्रियंका जी के। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कानपुर पहुंचे, जहां पर अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खेल रत्न का नाम बदलने से राजीव गांधी के सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि यूपी सरकार ने पिछले 8 महीनों से प्रशिक्षकों को पैसा नहीं दिया है और ये भी पता चलता है कि भाजपा में खिलाड़ियों के प्रति कितनी रुचि है। खेल देश का गौरव है, भविष्य युवाओं का, और जिस तरह नीरज चोपड़ा जी ने देश के गौरव और सम्मान को बढ़ाया है, ओलंपिक में स्वर्ण पदक पाकर देश के नौजवानों के अभिमान को बढ़ाया है, हम उनको दिल से बधाई देते हैं। तमाम हमारे खिलाड़ी बंधुओं ने कांस्य पदक या अन्य पदकों को पाकर भारत का मान सम्मान बढ़ाया, इसके लिए भी उनको बधाई और शुभकामना। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो जितने भी खेलों से को प्रशिक्षण देने वाले जितने भी प्रशिक्षु हैं, आप पता कर लीजिए 8 महीने से उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1 रुपया उनको अनुदान का जो पैसा था, संविदा की जो नौकरी थी उनकी, उनको अब तक। प्रतापगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएचसी पट्टी में आईसीआईसीआई बैंक के सहयोग से लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट का कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने आज बकायदा समारोह पूर्वक लोकार्पण किया। सीएमओ अरविंद श्रीवास्तव ने नारियल तोड़कर प्लांट के साथ ही वार्डो का भी मंत्री ने निरीक्षण किया। आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन का जमकर बखान किया। मंत्री ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट के रूप में संचालित करने के लिए सोलर प्लांट भी लगाया जाएगा। उद्घाटन समारोह में पूरा प्रशासनिक अमला वहां मौजूद दिखाई दिया। संभल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाल ही में निकाली गई समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली में बेहोश होकर गिरे सपा नेताओं पर तीखा प्रहार किया है।
बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष काशिफ खान ने कहा कि मिशन 2022 के चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। इसी के साथ उन्होंने सपा पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि सपा ने साइकिल यात्रा तो निकाली लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए आज यूपी को जरूरत है आम आदमी पार्टी की और मिशन 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। दिल्ली की तर्ज में यूपी में अरविंद केजरीवाल काम करेंगे। फतेहपुर के जाफरगंज थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने प्रत्याशियों से पुल बनवाने की मांग की थी और इतना समय होने के बाद भी लोगों की बात को जनप्रतिनिधियों ने अनसुना कर दिया। तभी आज आलम यह है कि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इसी परेशानी को देखते हुए सपा नेत्री कविता अग्निहोत्री और बिंदकी विधानसभा की सपा नेत्री अनु मिश्रा ने ग्रामीणों के साथ मिलकर नदी के आसपास के इलाकों का जायजा लिया और अपने विचारों को व्यक्त करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और सरकार के कामों की काफी आलोचना भी की। उन्नाव में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और जलस्तर बढ़ने से गंगा घाट के घाट भी डूबते हुए नजर आ रहे हैं। जलस्तर बढ़ने से प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। गंगा किनारे मकानों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। नायब तहसीलदार मंजुला मिश्रा ने गंगा तटीय क्षेत्रों का जायजा लिया। इसी पर डीएम ने भी एसडीएम सहित अन्य बाढ़ नियंत्रण के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। तो उन्नाव में इस वक्त लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि जलस्तर बढ़ने की वजह से इस वक्त प्रशासनिक अमला इस वक्त तैयारियों में जुटा हुआ है। जिस प्रकार से लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है ऐसे में गंगा घाट भी डूब गए हैं, साथ ही प्रशासन भी लगातार तैयारियों में लगा पड़ा है। गंगा किनारे मकानों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही नायब तहसीलदार मंजुला मिश्रा ने गंगा तटीय क्षेत्रों का जायजा लिया है। इसी पर डीएम ने भी एसडीएम समेत अन्य बाढ़ नियंत्रण के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है, जिसके बाद सभी को निर्देशित किया गया है कि लोगों की मदद की जाए और लोगों को बाढ़ से बचाने की हर संभव कोशिश की जाए। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे उन्नाव संवाददाता पुरुषोत्तम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पुरुषोत्तम, जिस तरीके से उन्नाव में इस वक्त बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, ऐसे में क्या कुछ हालात वहां पर देखने को इस वक्त मिल रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल बता दूं, गंगा का जलस्तर अपने उफान पर है। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। कल की अपेक्षा आज कुछ बहुत गंगा का जलस्तर, उन्नाव में गंगा का जलस्तर कम रहा, लेकिन इसके बाद भी लगातार गंगा का जलस्तर बढ़े और आबादी तक पहुंचे। कहीं ना कहीं बाढ़ नियंत्रण टीमें भी काम कर रही है और डीएम के निर्देशन में लगातार तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम से लगाकर आला अफसर मौका मुआयना कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं। आज वहीं अगर आज की बात करी जाए तो आज दोपहर, कल डीएम के निर्देशन के बाद आज दोपहर नायब तहसीलदार सदर मंजुला मिश्रा पहुंचती है, गंगा घाट का निरीक्षण करती है। गंगा घाट में निरीक्षण करके वहां के लोगों को, वहां के आमजन को, आमजन से अपील करती है। अपील करते हुए बताती है कि जो बाढ़ के, मतलब गंगा के आसपास तटीय क्षेत्र है, उनके उन क्षेत्रों के पास में जो घर है उन क्षेत्रों से अलग हो जाए और गंगा का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। लगातार गंगा के जल स्तर के बढ़ने से कहीं ना कहीं कोई नुकसान ना हो, इसको लेकर भी लगातार डीएम और एडीएम, एसडीएम समेत आला अफसर नजर रख रहे हैं। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाव से इस वक्त हम आपको खबर बता रहे हैं जहाँ पर लगातार गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं लखीमपुर खीरी में पालिया तहसील में तैनात लेखपाल वंशराज ने एक गरीब से हजारों रुपए की वसूली की है। लेखपाल ने एक गरीब से रिश्वत की मांग की, इसके बाद पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई। वहीं पीड़ित की गुहार को सुनते ही घूसखोर लेखपाल को विधायक ने हिदायत दी कि 24 घंटे के अंदर पैसे को वापस लौटा दिया जाए और यह भी कहा कि अगर लेखपाल ने पैसे को वापस नहीं किया तो मुकदमा दर्ज कराते हुए बड़ी कार्यवाही की जाएगी। विधायक रोमी साहनी की इस बातचीत का ऑडियो भी इस वक्त वायरल हो रहा है, तो आप भी सुनिए ये वायरल ऑडियो। हेलो, हाँ रोमी साहनी बोल रहा हूँ। हाँ विधायक जी, प्रणाम सर। यार आपने 20,000 रुपए गरीब आदमी, नहीं नहीं ऐसा है, मैंने जबरदस्ती नहीं लिए थे विधायक जी, हमने कहा था अगर बन जाएगा तो भाई बना देंगे। हाँ। साहब का मामला है। आपका क्या शुभ नाम है? वंशराज। इस उम्र में भी गरीब आदमी नहीं, तो हम क्या करते हैं जब अभी अगर तुम्हारे खिलाफ FIR लिखा दूं तो जेल चले जाओगे। तो मैंने जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, लेने का अधिकार किसने दे दिया आपको रुपया?
अरे भाई मैंने नहीं, जब हमने क्या कोई प्रधान जबरदस्ती जी पैसे पूछो देता है? अगर भाई, प्रधान जी लेके आए थे इसको तुमने हमने क... 24 घंटे के अंदर पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवा के जेल ना भेज दिया तो मैं असल बंसीलाल सानी की औलाद नहीं हूँ। अरे विधायक हाँ, जी, हम नहीं, नहीं मैं कोई हम ये बात कह नहीं रहे सुनूंगा हैं तुमसे। जी, तुम अगर हम ये चौबीस कह रहे घंटे हैं, के अंदर अरे गरीब के रुपया 20,000 वापस नहीं किए तुमको जेल भिजवा दूंगा, दूसरी बार कह रहा हूँ। अरे तो अपना विधायक, जोर तुम लगा लेना, तुम कहाँ बचोगे देखता हूँ। अरे मेरी सैलरी कल तक आ अब जाएगी, मैं मुझे खुद 24 घंटे पैसा वापस करिए 20,000 गरीब आदमी का। सुल्तानपुर में आज एक मुन्ना भाई अरेस्ट किया गया है। पकड़ा गया मुन्ना भाई दूसरे के स्थान पर टीजीटी की परीक्षा देने वाला था, लेकिन मुख्य गेट पर चेकिंग के दौरान उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने उसके पास से 2 आधार कार्ड को भी बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि आईजी से संतुष्ट न होने पर उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से अरुण कुमार यादव के नाम का एक और आधार कार्ड बरामद हुआ। उस कार्ड से भी उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। फिलहाल विद्यालय कर्मियों के द्वारा उसे पुलिस को सौंप दिया गया है। पूरे मामले की पड़ताल लगातार जारी है। पे तो चेकिंग करते समय एक लड़का जो है पकड़ा गया गेट पे ही, मुख्य द्वार पे ही। करीब ये 9 बजे 9 के आसपास की घटना है। तो उसको पकड़े, पकड़ने के बाद जब उसको तलाशी लिए, पुलिस फोर्स भी थी, एसडीएम साहब, एसडीएम मैम थी, पर्यवेक्षक नियुक्त थे और सेक्टर मजिस्ट्रेट थे। तो उसके पास 2 आईडी कार्ड मिला, एक आईडी कार्ड मिला और 2 आधार कार्ड मिला। आईडी कार्ड और जो उनका प्रवेश पत्र था एक बच्चे का, जिसका नाम है रंजीत कुमार, उसका आधार और प्रवेश पत्र था, और एक आधार उसके पास और था, वो था अरुण कुमार यादव। अब थोड़ा सा संदिग्ध लगा उस कि भाई, और जो परीक्षार्थी है उसका और इसके फोटो मिल नहीं रहा था, तो उन लोगों ने उसको अपना अलग ले गए तुरंत। सुल्तानपुर से यह पूरा मामला सामने आया है, जहां परीक्षा देने आए एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि युवक दूसरे युवक के नाम पर टीजीटी की परीक्षा देने के पहुंचा था, जिसके बाद उस परीक्षा स्थल पर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद किया गया, जिसके बाद अब उसे पुलिस को हवाले कर दिया गया है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।